हेलो, एज प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम। एज प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए और मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपकी एज आज एक्स ईयर्स है तो 10 साल पहले क्या थी? एक्स माइनस 10। आप एज में से 10 माइनस कर देंगे और 10 साल के बाद क्या होगी? एक्स प्लस 10। ठीक है, एक तो ये बात। एक और छोटा सा पॉइंट आपसे एज से रिलेटेड डिस्कस कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फादर की एज इस वक्त 21 ईयर्स है और सन की एज इस वक्त 1 ईयर है, तो इस वक्त दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 ईयर्स का। और फादर कितने टाइम्स बड़ा है सन से? 21 टाइम्स। टाइम्स का मतलब रेशो, मतलब फादर की एज को सन की एज से डिवाइड करेंगे तो रेशो आ जाएगा, जिसका मतलब होगा टाइम्स, यानी कितने गुना है, तो 21 गुना बड़ा है। ओके, हम क्या करते हैं, इसको 4 साल आगे ले जाते हैं। फादर 4 साल बाद 25 ईयर्स का हो जाएगा और सन 4 साल बाद 5 ईयर्स का हो जाएगा। अब भी दोनों में डिफरेंस 20 साल का है, लेकिन अब फादर 5 टाइम्स बड़ा है जस्ट। कहाँ वो 21 टाइम्स बड़ा था, कहाँ वो जस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। वो 5 साल, वो 25 साल, 5 गुना रह गया है। 5 साल और आगे जाए, ये 30 साल का हो जाएगा, ये 10 साल का हो जाएगा, जस्ट 3 गुना रह गया, 3 टाइम्स। 10 साल और आगे जाए, ये 40 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, जस्ट डबल हो गया एक दूसरे का, डिफरेंस 20 साल का। ये तो जो रेशियो है ये कम होता चला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज एजेस दोनों की 25 और 5 ईयर्स हैं, कितने साल के बाद वो दोनों एक दूसरे का ट्वाइस हो जाएंगी? तो आपका आंसर होगा 15 साल के बाद। ठीक है, अच्छा अगर वो बोले कि आज 30 और 10 साल हैं, कितने साल पहले एक दूसरे का 5 टाइम्स थे? तो 5 साल पहले। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर से, मोस्टली क्वेश्चंस ट्रायल एंड एरर से विदाउट कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिनमें इक्वेशन की जरूरत होती है, तो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एज का, ए इज 15 ईयर्स ओल्ड, बी इज 1/3 ओल्डर, हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए? तो ए की एज दी हुई है 15 ईयर्स और बी 1/3 ओल्डर है। अगर 1/3 बोलता 15 का, तो 1/3 तो 5 आ जाता कि बी 5 ईयर्स का है, लेकिन कह रहा 1/3 ओल्डर है, यानी 5 ज्यादा है। ठीक है, तो बी जो है 5 ज्यादा है, 1/3, 15 का 1/3 जाहिर है 5 ज्यादा है 15 से, तो 15 और 5 मतलब बी 20 ईयर्स का है। तो कह रहे कितने साल के, कितने साल पहले, हाउ मेनी इयर्स अगो वाज इट ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, कितने साल पहले एक दूसरे का ट्वाइस थे? तो बेहतर है आप इसके ऑप्शंस यूज कर लें। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पे ए बी सी डी ई 3, 5, 7.5, 8, 10। तो आप क्या करेंगे, पांचों ऑप्शन माइनस कर करके चेक कर लें कि कितने साल पीछे जाएं तो ये एक दूसरे का ट्वाइस बन रहे हैं, 20 और 15। पहला ऑप्शन है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। अगर आप पीछे जाएंगे 20 में से 3 माइनस करेंगे, ये 17 होगा, ये 12 होगा, डबल तो नहीं आ रहे एक दूसरे का, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 5 साल पहले, 20 में से 5 जाएंगे, 15 साल का था और 15 माइनस 5 ये 10 ईयर्स का था, तो 10 और 15 भी एक दूसरे का ट्वाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 7.5 ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डबल करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, सॉरी, 15 माइनस 7.5 7.5, तो 7.5 का डबल तो 15 होता है, तो ये डबल नहीं है। 8 ऑल ऑप्शन ले लें, 20 माइनस 8 12 और 15 माइनस 8 7, 7 2 14 होना चाहिए था, ये भी आंसर सही नहीं है। 10 ईयर्स अगो, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 और 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, यस 10 साल पहले एक दूसरे का ट्वाइस थे। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक्स साल पहले वे एक दूसरे का ट्वाइस थे, तो एक्स साल पहले बी की एज क्या थी? 20 माइनस एक्स, और एक्स साल पहले ए की एज कितनी थी? 15 माइनस एक्स। ये दोनों की एक्स साल पहले वाली एज है, तो ये जो बी था He was twice as A. तो ये कितने साल पहले पॉसिबल होगा, तो आप एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है ट्रायल एंड एरर करके। कम होता है कि आपका पांचवा ऑप्शन ही सही हो, लेकिन पॉसिबल है, तो आपको ये वैल्यूज पुट करके भी करना आना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, जॉन इज नाउ फोर टाइम्स एज ओल्ड एज एना वॉज सिक्स इयर्स अगो। हाउ ओल्ड इज एना टुडे इफ जॉन इज 20 इयर्स ओल्ड। तो देखें क्वेश्चन और से समझें, जॉन इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज एना, नो, एज ओल्ड एज एना सिक्स इयर्स अगो। एना की जो सिक्स इयर्स अगो वाली एज है उसका फोर टाइम्स है जॉन। तो आप देखेंगे जॉन इज फोर टाइम्स ऑफ एना की सिक्स इयर्स पहले वाली एज, ए माइनस सिक्स, ठीक है। जॉन की एज उसने 20 दी हुई है, आप यहाँ 20 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू फोर टाइम्स ए माइनस सिक्स, फोर फाइव जा 20, फाइव इज इक्वल टू ए माइनस सिक्स, फाइव प्लस सिक्स हो जाएगा, एना की एज आ जाएगी आज की 11 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, Aaron was 24 when his daughter Sarah was born. If Aaron is now 3 times as old as Sarah, how many years ago was Aaron 4 times as old as Sarah? जी, तो Aaron 24 years का था जब Sarah was born. तो इसका मतलब Aaron 24 years बड़ा है Sarah से. So means Aaron is equal to Sarah plus 24. Sarah को x से denote कर रहा हूँ मैं. Aaron is now 3 times as old as Sarah. अब वो दोनों एक दूसरे का 3 times हैं। Aaron जो है Sarah का 3 times है, okay? जब बड़े होते चले जाते हैं तो ratio कम होता चला जाता है, okay? तो Sarah, Aaron है, Aaron जो है Sarah का 3 times रह गया है अब, ठीक है? Alright, अब इन दोनों equations को solve करके Aaron और Sarah की ages निकल जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे हमें कितने years पीछे जाना है कि दोनों एक दूसरे का 4 times हो जाए, okay? How many years ago Aaron was 4 times as old as Sarah, ठीक है? तो आप दोनों को compare कर लें, A की जो value है 3x, यहाँ put कर दें, 3x is equal to x plus 24, x इधर आके minus हो जाएगा, 2x is equal to 24, तो Sarah की age है 12 years, 12 यहाँ put कर दें, यहाँ दोनों सूरतों में answer 36 आएगा, इसका मतलब Aaron 36 years का है, ठीक है? अब वो पूछ रहा है कितने साल पहले एक दूसरे का 4 टाइम्स थे, तो हम ऑप्शंस यूज करके चेक कर लेते हैं, 36 और 12, तो ए बी सी डी ई ऑप्शंस है आपके पास, और वो है 8, 11, 12, 14, 15, तो पहले हम चेक करते हैं 8 साल पहले, 8 साल पहले, सॉरी ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिए हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ ऑप्शंस, ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 12, 18. पहला ऑप्शन है 4 years ago. अब जरा 4 साल पीछे जाएं, 36 minus 4, 32, और 12 minus 4, 8. क्या एक दूसरे का 4 times बन रहे? Yes. पहला ऑप्शन सही है. 4 years ago they were 4 times of each other. वरना आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन यू बनेंगी 36 minus x और 12 minus x, this should be 4 times of this, तो इसमें से x निकाल सकते हैं, वो answer भी 4 ही आएगा, ठीक है? Question number 4 देखें, A's mother is twice as old as A's brother, A is 6 years younger than his brother, but 4 years older than his sister, if A's sister is 15, His mother's age is, लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है, हम हर चीज को लिख लेते हैं, his mother is twice as old as his brother, mother is twice as brother, A is 6 years younger than brother, A is 6 years younger than brother, brother से 6 साल छोटा है, but 4 years older than sister, लेकिन जो A है, sister से 4 years older है, okay? And sister is 15, जो sister है उसकी एज 15 years है, तो आपको mother's की एज बतानी है, mother's age, तो आप क्या करें, sister की एज 15 यहाँ put करें, 15 plus 4, A आ जाएगा 19, A की एज 19 यहाँ put करें, 19 is equal to B minus 6, minus का 6 इधर आके add हो जाएगा 19 में, B is equal to 25 आ जाएगा, brother 25, ब्रदर यहाँ पे 25 पुट करें,
2 × 25 तो मदर की एज 50 इयर्स आ जाएगी, तो मदर इज 50 इयर्स ओल्ड टुडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, ए इज 4 इयर्स ओल्डर देन बी हु इज 6 इयर्स यंगर देन सी, इफ सी विल बी 14 इयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर हाउ ओल्ड विल बी ए आफ्टर 3 इयर्स। ए इज 4 इयर्स ओल्डर देन बी, बी से 4 इयर्स ओल्डर है, हु इज 6 इयर्स यंगर देन सी, B is 6 years younger than C. C will be 14 years old next year. अगले साल 14 का होगा तो अभी कितना है 13. 13 यहाँ पुट कर दें तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 13 - 6 यानी 7 years. 7 यहाँ पुट कर दें तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 7 + 4 = 11 years. A की आज की एज 11 years है, लेकिन कह रहा है 3 साल बाद की बताएं, तो 11 + 3 = 14 years की हो जाएगी A 3 साल के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 6 देख लें। समीना इज 16 इयर्स ओल्डर देन सारा हु इज 2 इयर्स ओल्डर देन सलमा, इफ सलमा विल बी 8 इयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर हाउ ओल्ड विल बी समीना नेक्स्ट ईयर। तो समीना इज 16 इयर्स ओल्डर देन सारा, समीना 16 इयर्स ओल्डर देन सारा, हु इज 2 इयर्स ओल्डर देन सलमा, यानी सारा जो है वो 2 इयर्स ओल्डर है सलमा से, और सलमा विल बी 8 इयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर, सलमा नेक्स्ट ईयर 8 की होगी तो अभी 7 इयर्स की है, ये 7 यहां पे पुट करेंगे सारा की एज 9 इयर्स आ जाएगी, ये 9 यहां पुट करेंगे समीना की एज 9 + 16 = 25 इयर्स आ जाएगी। ठीक है, तो समीना की एज आज 25 इयर्स है, लेकिन वो कह रहा है नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, तो 26 इयर्स हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। दैट वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज फराज हु इज 6 इयर्स ओल्ड हु इज 7 इयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड वाज अहमद लास्ट ईयर। अहमद इज ट्वाइस एज फराज और फराज इज 7, फराज की एज 7 दी हुई, यहां पुट करते हैं a is equal to 2 × 7 = 14, तो अहमद 14 इयर्स का है, वो पूछ रहा है कि लास्ट ईयर कितना था, 13 इयर्स का था। ये जो लास्ट 4 क्वेश्चन है बहुत आसान है, ओके, बट जाहिर है मुझे अभी करवाने हैं, लिखना अपने तौर पर पहले सॉल्व कर लें फिर ये करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सलमान इज थ्राइस एज ओल्ड एज कामरान हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज फुरकान, again Salman is thrice as old as Kamran who is twice as old as Furqan, if Furqan was 3 years old last year how old is Salman, so Salman is 3 times Kamran or Kamran is twice Furqan or Furqan was 3 years old last year, so last year 3 years ka tha to ab 4 years ka ho gaya, 4 yahan put karenge 2 × 4 = 8 years aa jayegi Kamran ki age, okay, कामरान यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 3 × 8 आ जाएगा 24 इयर्स सलमान की एज। ठीक है, तो लास्ट ईयर सलमान की एज क्या थी 23, तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एज के क्वेश्चंस हैं, जो एज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इसकी हर जो टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो हो सकता है कुछ और वेरिएंट्स भी हों, अगर कोई वेरिएंट आपसे सॉल्व ना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो जो भी आती रही आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।